शिव का एक ऐसा दिव्य मंदिर जहां आज भी अश्वत्थामा शिव का करते हैं जलाभिषेक। द्वापर में बना एक अद्भुत शिव मंदिर जहां आज भी हजारों साल से जिंदा एक इंसान महादेव को चढ़ाता है गंगा जल। भगवान शिव के अत्यंत दुर्लभ और सिद्ध मंदिरों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शिव मंदिर के दिव्य दर्शन कराने जा रहे हैं जिसको लेकर मान्यता है कि यहाँ हजारों साल से एक शख्स हर रोज सबसे पहले गंगा के जल से शिव का जलाभिषेक करता है, शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाता है और यह सिलसिला द्वापर से लेकर आज तक बरकरार चला आ रहा है। लेकिन क्या यह संभव है कि कोई 36 पीढ़ियों से लगातार एक ही इंसान को देख रहा हो, और क्या यह संभव है कि हजारों साल से एक युवक भगवान शिव का जलाभिषेक करता हो? यह हम ऐसे ही नहीं कह रहे बल्कि इसका प्रमाण भी है। गंगा के तट पर बसा कानपुर शहर, जहां से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर शिवराजपुर के पास गंगा के तट पर है खिरेश्वर धाम मंदिर, जहां को लेकर मान्यता है कि द्वापर युग में गुरु द्रोणाचार्य शिवराजपुर आए थे। उन्होंने पांडवों और कौरवों को भी शिवराजपुर बुलाया था। तब गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को यहीं पर शस्त्र विद्या सिखाई थी। मंदिर के ही पास द्रोणाचार्य की कुटिया थी। कहते हैं कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भी यहाँ रहा करते थे। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह धरती पर तब तक पीड़ावश जीवित रहेगा जब तक स्वयं महादेव उसे पापों से मुक्ति न दिला दे। तभी से यह कहा जाता है कि महादेव से मुक्ति की प्रार्थना के लिए यहाँ अश्वत्थामा हर रोज सुबह पहले जल चढ़ाने आता है। खिरेश्वर मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोग इस बात की पुष्टि भी करते हैं। बताते हैं कि एक 8 फीट लंबा आदम कद इंसान हर रोज सुबह सबसे पहले भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, फूलों के साथ बेलपत्र और गंगा जल भगवान शिव को अर्पित करता है और उसके बाद एक तेज रोशनी के साथ कहीं ओझल हो जाता है। खिरेश्वर महादेव के मंदिर को स्वयंभू शिवलिंग भी कहा जाता है। 4000 सालों से आदिकालीन आस्था के मुख्य केंद्र के रूप में खिरेश्वर महादेव मंदिर को स्वयंभू शिवलिंग भी कहा जाता है। 4000 सालों से आदिकालीन आस्था के मुख्य केंद्र के रूप में खिरेश्वर महादेव का मंदिर विख्यात है। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ ब्रह्मांड भ्रमण के दौरान कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे और तभी यहाँ ईश्वरीय कृपा से अनंत काल में स्वयंभू शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। इसी स्थान के महत्व को देखते हुए महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य ने गंगा नदी के तट पर अपनी कुटिया बनाई और अपने शिष्यों कौरवों और पांडवों को शस्त्र की शिक्षा भी यहीं पर गुरु द्रोणाचार्य ने दी थी। इस दौरान उनके पुत्र अश्वत्थामा का जन्म भी हुआ। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप की वजह से आज भी अश्वत्थामा रोज ब्रह्म मुहूर्त में खिरेश्वर महादेव का गंगा जल से अभिषेक करने आते हैं। मंदिर के पुजारी और गांव वालों का दावा है कि कई लोगों ने इस आदमकद युवक को अपनी आंखों से देखा है और देर रात अचानक से तेज रोशनी प्रकट होना, जोर जोर से घंटे बजना, खड़ाऊ की आवाज आना, आसपास के रहने वाले लोगों ने यह सब देखा है, जो कि उनके लिए आम बात भी है। लोग बताते हैं कि सफेद लिबास में लंबे चौड़े इंसान को मंदिर में आते जाते देखा गया है। हर साल शिवरात्रि में एक चमत्कार होता है। सुबह के वक्त मंदिर के पट खुले मिलते हैं। शिवलिंग पर ताजे फूलों के अलावा बेलपत्र चढ़ा होता है। मंदिर के पास एक तालाब बना हुआ है। लोगों का मानना है कि द्वापर युग का ये वही गंधर्व सरोवर है जहां पर युधिष्ठिर से सवाल पूछा गया था कि आखिर इस तालाब में केवल सफेद रंग के कमल ही क्यों खिलते हैं। खिरेश्वर धाम मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर अश्वत्थामा का मंदिर भी बनाया गया है। गांव के लोग अश्वत्थामा को देव के रूप में पूजते हैं। उन्हें विशेष स्थान देने के लिए मंदिर में उनकी एक छोटी सी मूर्ति भी विस्थापित की गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 8 चिरंजीवी बाली, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, मार्कंडेय ऋषि, परशुराम और अश्वत्थामा, इन सभी का सुबह सुबह स्मरण करने से बीमारियां दूर होती हैं और मनुष्य सतायु होता है। खिरेश्वर मंदिर के इस रहस्य पर पर्दा उठाने के लिए सैकड़ों वैज्ञानिकों की टीमें आईं, लेकिन आज तक इस रहस्य पर कोई भी पर्दा नहीं उठा सका है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।